सो जॉर्ज एवरेस्ट के बाद मैं पहुंच चुका हूँ मसूरी और मैंने होटल बुक कर लिया है। तो ये मेरा होटल है पीछे और रूम अच्छा है और यहाँ से व्यू भी अच्छा है। मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। सो ये व्यू मेरे होटल से, व्यू अच्छा है और ठंड यहाँ पे बहुत है। कहते हैं कि 5 to 6 degrees यहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो बहुत ठंड होने वाली है और मज़ा भी बहुत आने वाला है। ठीक है, और अभी मैं निकलने वाला हूँ माल रोड घूमूंगा। सो मैंने माल रोड के पास ही रूम बुक किया है, काफ़ी अच्छा है देखिए। एंड और अभी मैं जा रहा हूँ माल रोड घूमने के लिए। अरे नहीं, ओ शिट, एक्चुअली यहाँ पे ना अलग ही सिस्टम है। आपको जो रिसेप्शन होगा वो ऊपर ग्राउंड पे मिलेगा, ठीक है, और जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं वहाँ पे नंबर्स बढ़ते रहते हैं, 0, 1, 2, 3 ऐसे ऐसे होते रहते हैं। तो मैं नीचे जा रहा था, ठंड यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त ठंड है यहाँ पर, अभी फॉगी फॉग हो रखा है। चंदा मामा वहाँ पे निकले हुए हैं। अभी मैं माल रोड जा रहा हूँ, माल रोड आपको मैं दिखाऊँगा। सो ये रहा माल रोड मसूरी, और मसूरी में माल रोड एंटर करने के लिए आप 4:30 बजे के बाद एंट्री नहीं होती है, और अगर आप रेंटेड बाइक या स्कूटी लेके आ रहे हैं तो वो भी अलाउड नहीं है, प्राइवेट व्हीकल्स आर अलाउड, और 4:30 से 10:30 बजे तक वो भी अलाउड नहीं होता है। 4:30 बजे एंट्री बंद हो जाती है, उसके बाद ओपन होती है। सो ये चौक है, एंड मैं आपको दिखाता हूँ गुरुद्वारा एंड द मेन अट्रैक्शन पॉइंट इन मसूरी, और बहुत ही अमेजिंग व्यू है। फ़ोन में इसलिए नहीं दिखाया जाए क्योंकि फॉग फॉग है, फ़ोन पे इसने क्लियर नहीं आएगा। गुरुद्वारा, कपड़ों की दुकान है, काफ़ी शॉप्स हैं यहाँ पे, जैसे अपने दिल्ली में सरोजनी नगर है और करोल बाग है, वैसे यहाँ पे मार्केट है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और मुझे फ्रेंड्स के लिए कुछ गिफ्ट्स भी चाहिए, क्योंकि अगर मैं गिफ्ट्स नहीं लेके गया तो भी लेना तो साहब मेरी जान खा जाएंगे। मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये कितने का है? 100 रुपये का एक। सब की चेन तो सारी 100 की, सेव ही लेना, आगे से ले लेंगे। ये 20 रुपये का। ओके, और ये अलग अलग प्राइस है, अलग अलग है। गुड मॉर्निंग एंड द व्यू फ्रॉम माय होटल। अभी बाहर चलते हैं और आपको क्लियरली दिखाते हैं। दिस इज द व्यू। फॉग अभी भी है, ठंड अभी भी है, और धूप निकल चुकी है। कोहरा इतना नहीं है कल रात की तरह, बट दूर वहाँ पे मुझे स्नो दिखाई दे रही है, वो हिमालय रीजन होगा। तो यहाँ से तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, आगे सरकंडा टेंपल जाएंगे तो वहाँ से भी बहुत ही सुंदर नज़ारा हमको देखने को मिलने वाला है। ये देखिए क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ का। तो गाइस, मसूरी का रूट पूरा हो चुका है, जॉर्ज एवरेस्ट के बाद मसूरी आए, माल रोड घूमा, एंड नाउ वी आर हेडिंग टू सरकंडा टेंपल। धूप निकल गई है लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है। हमारा प्लान निकलने का था 7 बजे का, बट ठंड की वजह से हम थोड़ा लेट हो गए। सरकंडा टेंपल के लिए यहीं से जाएंगे ना, कहाँ से? भैया सरकंडा टेंपल के लिए, धनौल्टी के लिए, धनौल्टी इधर से।
धनौल्टी, टिहरी, लाल टिब्बा, टिहरी बस स्टैंड, पिक्चर पैलेस, सिविल हॉस्पिटल, सब इसी रास्ते पे है। अच्छा कहाँ जाएंगे, ये मेन रास्ता तो है नहीं। ओह माय गॉड, अपने आप ही चले जा रहे हम तो। वाह देखो धूप निकल रही है और छत पे धूप लग जा रही है, कितना मस्त लग रहा है। हमारे धनौल्टी वाले रूट में ये एक अच्छा सा व्यू मिला है तो हम रुके हैं इसको देखने के लिए। देखिए वो ग्राउंड में वहाँ पे एक सुनसान एक हट बनी हुई है, घर है, और वहाँ देखिए पूरा बादल है। बहुत ही अच्छा व्यू है यार यहाँ से, और हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। हम थोड़ा सा अभी रास्ते में भटक भी गए थे। सो गाइस अभी हमको कंफ्यूजन हो गया था कि कौन सा रास्ता जा रहा है धनौल्टी के लिए और सरकंडा टेंपल के लिए। फिर हमने पूछा किसी से तो एक्चुअली हम सही जा रहे थे बट कंफ्यूज हो गए थे, और रास्तों के नज़ारों के मज़े लेते हुए जा रहे हैं। बहुत बहुत मज़ा आ रहा है सोलो राइड में। ग्लव्स नहीं पहन रखे हैं, हाथों में ठंड लग रही है, हाथ बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं मेरे। और यहाँ पे पाइन के पेड़ बड़े बड़े बहुत मस्त लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ से हिमालय रेंज में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है, बिल्कुल बर्फ से ढकी हुई। वाओ, यही एडवेंचर के लिए तो आते हैं हम यहाँ पर। रास्ते अच्छे हैं लेकिन फिर भी आपको आराम से आना पड़ेगा। लगता है ना पहाड़ हिमालय बिल्कुल पास में है ना, लेकिन है बहुत दूर। सो गाइस यहाँ पे थोड़ी आई थिंक चेकिंग चल रही है या वो एक्सीडेंट हो गया आई थिंक। नहीं नहीं, रोड बन रही है, एक्चुअली रोड बन रही है और ट्रक और कार आमने सामने आ गए थे। कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। मैंने एक महीना पहले ही पूरा प्लान बना लिया था बट लास्ट मोमेंट में मेरे को लग रहा था कि मेरा प्लान कैंसिल ना हो जाए। मेरे को जाना था तो जाना था। मसूरी, जॉर्ज एवरेस्ट मैंने कंप्लीट किया और अब धनौल्टी एंड सरकंडा टेम्पल। काफ़ी शार्प टर्न्स हैं यहाँ पर। ऐसे लोगों की वजह से तो एक्सीडेंट होते हैं। धनौल्टी 15, हथियार चंबा 44। यहाँ से सीधा जाएंगे ना, आपकी यात्रा सफल हो। 15 किलोमीटर दूर है। माय गॉड यार गाइस, नज़ारे देखिए। आपको तो रोड दिखाई दे रही होगी, मेरी स्कूटी दिखाई दे रही होगी, लेकिन मैं तो यहाँ नज़ारे भी देखता हूँ। कहाँ दिल्ली में बस गाड़ियाँ दिखाई देती हैं, ट्रैफिक इतना दिखाई देता है, और यहाँ पे सिर्फ पहाड़ी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। कट्स इतने शार्प है ना, और सामने से क्या आ रहा है वो कुछ बिल्कुल दिखाई नहीं देता। टर्न्स पे स्लो करना पड़ता है बस, इसी यही पार्ट रिस्की होता है पहाड़ों पे, और बाकी तो चलते चलते पता ही नहीं लगा मैं चंबा पहुँच गया। ये नज़ारे लाइफ टाइम मोमेंट्स मैंने कैप्चर किए अपनी आँखों में,
और अपने मोबाइल में। यहाँ अचानक से बहुत ठंड लग रही है, कितना ऊंचा पहाड़ है ये, डर लग रहा है मेरे को। ओह माय गॉड इतनी ठंड। चल चला, देखो जगह का नाम क्या है, चल चला। यहाँ पे हर टर्न पे हॉर्न देना ज़रूरी है, क्योंकि जो सामने से आ रहा होगा उसको पता चलेगा कि कोई आ रहा है, तो वो अपनी स्पीड स्लो कर लेगा। बहुत ज़्यादा हाइट हो गई है, स्कूटी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, चढ़ नहीं पा रही है ये। अब धूप लगी है, आहा थोड़ा आराम लगा है। धनौल्टी में ना हमेशा बर्फ़ के टाइम पे आओ, जब बर्फ़ गिरे ना तब आओ, धनौल्टी में इतना कुछ खास है नहीं देखने को। सो गाइस सी, यहाँ से हिमालय रेंज बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रही होगी ये पूरी हिमालय रेंज यहाँ पर पूरी, और ये रिजॉर्ट आइल ऑन द रॉक्स धनौल्टी। धनौल्टी से 5 किलोमीटर पहले पूरा एडवेंचर रिजॉर्ट बना रखा है, और पूरा ये रेंज हिमालय रेंज देखिए, यहाँ से व्यूज़ पूरा सीनिक व्यूज़ है। यहाँ के लोग तो रोज़ ही हिमालय देखते होंगे, बट हमने पहली बार देखा है हिमालय रेंज अपनी आँखों से। क्या बताऊँ यार, बहुत ही मतलब गूज बम्प्स, एडवेंचर मज़ा आ गया सोलो राइड में। जब बहुत तेज़ ठंड लग रही है, मैंने देहरादून से एक जैकेट खरीद ली थी, उससे मुझे बहुत हेल्प हुआ, लेकिन और घर से तो मैं सिर्फ एक हुडी लेके आया था, मैं अगर जैकेट नहीं ख़रीदता तो मर जाता। अब यहाँ पे थोड़ा आराम मिला क्योंकि धूप लगी है, नहीं तो हाथ मेरे अभी भी ठंडे हैं, बहुत ठंडे हाथ हैं। अरे यार मैंने एक चीज़ तो सोची ही नहीं, अगर स्कूटी पंचर हो गई तो धनौल्टी हम क्या पहुँच गए। यस यस वी हैव रीच। सो सरकंडा देवी टेम्पल सिर्फ 5 किलोमीटर दूर रह गया है, और जिस रास्ते से अभी मैं जा रहा हूँ ये एक लैंडस्लाइड एरिया है, तो यहाँ पे पत्थर गिरते रहते हैं, तो थोड़ा डर भी लग रहा है, बट ये सोलो राइड एडवेंचर से भरी हुई है मेरी, फुल ऑन एडवेंचर हो रहा है। इधर नीचे राइट साइड में खाई और इधर पत्थर गिरने का डर, यही तो एडवेंचर है यार। सरकंडा टेम्पल 1 किलोमीटर दूर है अभी, लेकिन है कहाँ पर, दिखाई नहीं दे रहा है। चलो देखते हैं कहाँ है, कुछ तो आया है, ये क्या आया है, टिहरी बांध, न्यू टिहरी, चंबा, माता सरकंडा।